नमस्कार, स्वागत है आपका आज के धर्म चक्र में। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं तो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में सफलता नहीं प्राप्त करें तो क्या करें कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। शुभ मुहूर्त में चावल के 21 दानों का क्या खास उपाय है। साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि आरती के समय अगर दीपक बुझ जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर के सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं तो सावधानी रखें कुछ खास बातों का। आइए हम जानते हैं कि क्या है वो खास बातें। अगर आपके घर के बच्चे और बड़े अक्सर बीमार रहते हैं तो इसका कारण ये 6 बातें हो सकती हैं। सुनने में 6 बातें बहुत ही सामान्य लगेंगी लेकिन आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। घर के लोगों को स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और इस स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। पहली बात यह है कि घर के सामने पेड़ या खंभा होना घर के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर के सामने कोई पेड़ है या खंभा है तो ये वास्तु दोष है और इस वास्तु दोष से बचने के लिए घर के मेन गेट पर रोज स्वास्तिक का निशान बनाएं। अगर आप ये बनाते हैं तो आपका ये वास्तु दोष खत्म हो जाता है। मेन गेट के सामने अगर कोई गड्ढा है तो भी पारिवारिक सदस्यों में मानसिक रोग आने की संभावना रहती है, वो तनाव से घिरे रहते हैं, डिप्रेशन में जाने की संभावना बन जाती है। इससे बचने के लिए गड्ढे को तुरंत मिट्टी से भर दें और उस रोड को समतल कर दें। तीसरी बात यह है कि मेन गेट के सामने अगर कीचड़ या गंदगी हो तो परिवार के सदस्यों में किसी न किसी तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि घर के आसपास किसी भी तरह की गंदगी ना हो। वैसे भी गंदगी किसी भी कष्ट का कारण होती है तो स्वच्छ भारत अभियान में हम सब जुड़ते हैं और अपने घर और अपने मोहल्ले को साफ रखते हैं। मेन गेट के सामने गंदा पानी इकट्ठा रहता है तो भी घर के लोगों को रोगों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि घर के सामने गंदा पानी ना जमा हो, इससे कीटाणु तो उत्पन्न होते ही हैं, मच्छर तो उत्पन्न होते ही हैं लेकिन साथ साथ ये वास्तु दोष भी है। तो ऐसा इस चीज़ को आप बिल्कुल जमा ना होने दें और तुरंत ही उसे साफ करवा लें। मेन गेट के ठीक सामने अगर घर का मंदिर बिल्कुल दरवाजे के एकदम सामने अगर कोई मंदिर है या पूजा स्थल है तो वो भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। पूजा स्थल को एकदम थोड़े से साइड में हो या किसी एक रिस्पेक्टफुली आप उसके लिए एक अपना एक पूजा का एक कक्ष तैयार कीजिए जो कि दरवाजे के एकदम सामने ना हो, क्योंकि अगर सामने होता है ऐसे करने से घर में देवी देवता निवास नहीं करते और घर में बीमारियाँ और दुख दर्द बने रहते हैं। इससे बचने के लिए ध्यान रखें कि घर का मंदिर यहाँ ना तो कहीं और हो, किसी एक रिस्पेक्टेबल सही डायरेक्शन में जो उत्तर दिशा हो या फिर आपकी ईस्ट दिशा हो या नॉर्थ ईस्ट दिशा में हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर सूखे या कांटेदार पौधे घर के आंगन में है तो भी अच्छा नहीं है, इससे भी घर में कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं। और घर में आंगन में हरे भरे पेड़ पौधे अगर आपने लगाए तो घर में कम से कम बीमारियां आएंगी, घर में लोग सुखी रहेंगे। तो ध्यान रहे कि पेड़ पौधों की नियमित देखभाल करते रहिए, क्योंकि अगर आपके घर के पेड़ पौधे हेल्दी हैं तो ये एक सूचक है कि आपके घर की एनर्जीज अच्छी हैं और आपके घर के लोग भी स्वस्थ हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंटरव्यू में सफलता के खास उपाय। आप में से सब लोग अपनी जॉब चेंज के बारे में सोचते रहते हैं या प्रमोशन के बारे में सोचते रहते हैं तो जानते हैं कि क्या है ऐसे उपाय। इंटरव्यू के नाम को सुनते ही सब लोगों के पसीने भी छूट जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या पूछ लेंगे हमसे। तो क्या ऐसे उपाय हैं जो आप करें जिनसे कि आप ठीक से जवाब दे पाए, एकदम हाजिर जवाब और क्विक विट से आप जवाब दें ताकि सामने वाला इम्प्रेस होकर आपको ऑफर दे दे। तो यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नीचे लिखा उपाय करें, इस उपाय को करने से आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप ये उपाय देखिए कि शुभ दिन देखकर उठिए और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करिए और सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उसमें 108 दोनों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर उसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र का जाप करें 31 बार। इस प्रकार 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी माला सिद्ध हो जाएगी। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं, ऐसा करने से आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मंत्र है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इंटरव्यू में सफलता के चांसेस बहुत हाई होंगे।
शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं चावल के 21 दानों का उपाय। चलिए ये भी जानते हैं कैसे किया जाता है। धन संबंधी परेशानी अगर आपको है तो उनको दूर करने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में यहाँ बताया जाने वाला उपाय आप कर सकते हैं। चावल का ये उपाय जो है काफ़ी कारगर है। शुभ मुहूर्त जैसे शिवरात्रि, होली, दीपावली, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसे ऐसे शुभ जो मुहूर्त हैं, इन ऐसे मुहूर्तों में ये उपाय किया जाता है। इस उपाय में आप 21 चावल के दाने लीजिए। चावल का जो ग्रेन होता है फुल ग्रेन होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। इसकी एक विधि है। इसमें सबसे पहले तो यह है कि उस दिन सुबह जल्दी उठें, सभी नित्यकारों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में पीले रंग के 21 फुल ग्रेन राइस रखिए, बिल्कुल भी टूटे ना हो। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, अखंडित होने चाहिए, तभी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उन चावल को कपड़ों में बांधकर छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली में बनाने के बाद धन की लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के बाद ये पोटली पूजन में भी ये पोटली रखें, और पूजन के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपा कर रख लें, या फिर घर में धन के स्थान पर रखें जहाँ पर अपना पैसा रखते हैं। इस पोटली को आप रखने से ये काफ़ी लाभदायक होगा। चावल के दानों को ऐसा को पीला भी कर सकते हैं, ये पीला करना और भी शुभ होगा। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हल्दी में थोड़ा पानी डालिए पहले। अब गीली हल्दी में चावल के 21 दाने डालिए। इसके बाद अच्छे से चावल को हल्दी में रंग लें। इसके बाद इन्हें सूखा कर लें। इस प्रकार तैयार होंगे पीले चावल। उसको अपने पूजन में भी आप उपयोग कर सकते हैं और इस तरह के उपायों में भी रख सकते हैं। तो पीले चावल का महत्व बहुत ज़्यादा है। पीले चावल का उपयोग करने से पूजन कर्म में देवी देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होता है। किसी भी देवी देवता को निमंत्रण देने के लिए चावल को पीला किया जाता है। तो पीले चावल देखकर आमंत्रित किए गए भगवान भक्त के घर पधारते हैं। यदि पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। जब आरती करते समय दीपक बुझ जाए तो घबराए नहीं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी देवी देवता का पूजन आरती के साथ ही पूर्ण होता है। इस कारण आरती के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार आरती करते समय दीपक का बुझना अपशकुन माना जाता है। इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पूजा आदि जब तक पूर्ण ना हो दीपक जलता रहना चाहिए। यहाँ जानिए, यदि पूरी सावधानी के बाद भी दीपक बुझ जाए तो क्या करना चाहिए। यदि किसी कारण से दीपक बुझ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस मनोकामना के लिए पूजन किया जा रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ यह संकेत हो सकता है कि हमारे द्वारा पूजन में कोई त्रुटि हो गई या कोई कमी रह गई हो, अतः भगवान से अपनी क्षमा याचना करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। यह अलग अलग विधियाँ भगवान को प्रसन्नता दिलाती हैं, जिनसे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित है भगवान की आरती करना। तो आरती करते समय यदि दीपक बुझ जाता है तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए पुनः दीपक जलाकर आरती करना चाहिए। साथ ही जिस कार्य के लिए पूजन किया जा रहा है उस कार्य को करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं कोई आपसे चूक ना हो जाए, अन्यथा सफलता प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दीपक तैयार करते समय ध्यान रखें कि आरती के लिए दीपक तैयार करते समय दीपक को पर्याप्त तेल या घी रखा जाए। दीपक की जो बत्ती बनाई जाती है, रुई की बनाई जाती है, वो भी अच्छे से बनानी चाहिए। साथ ही पूजा अर्चना करते समय उस क्षेत्र में पंखा, कूलर आदि नहीं चल रहा हो, तेज हवा से दीपक बुझ सकता है। पूजन कार्य में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भगवान की आराधना करने से पहले खुद को भी अच्छे से पवित्र कर लेना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे अचूक उपाय, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि व कष्ट निवारण कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, यही कामना करते हुए लेती हूँ मैं इजाज़त। नमस्कार।